अभी सर हीकल देखिए, HIKAL सर, मैं हीकल लिमिटेड का यहाँ पे वन डे पे चार्ट देख रहा हूँ, और इसका जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 275 का, और जो लेवल है वो 16 अगस्त को ही उसने ब्रेकआउट दिया था, 275 का ब्रेकआउट दिया, स्टॉक आराम से 55 रुपए, मतलब दो दिन में ही 20-30% बढ़ चुका था। फिलहाल पर सर चार्ट पर देखने के बाद ऐसा व्यू बनाना इतना मुश्किल है, क्योंकि जो ब्रेकआउट के हिसाब से टारगेट आता है वो 325 का, वो तो टारगेट हिट हो गया, उसके हिसाब से 20% है। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो मैं बोलूंगा कि फिर से जो अगर स्टॉक रिटेस्ट करने को आता है उसी लेवल पे, मतलब जो 276 से 280 रुपीस का लेवल था, जो ब्रेकआउट का लेवल था, उसी लेवल पे अगर स्टॉक आता है तो फिर से बाय कर सकते हैं इक्वल को, और ऊपर में फिर से 320 रुपए से 340 रुपए तक के स्टॉक टारगेट के लिए स्टॉप लॉस स्टॉक को होल्ड रख सकते। बट फिलहाल में करंट मार्केट प्राइस पे बाय रिकमेंडेड नहीं रहेगा, नीचे में ही बाय रिकमेंडेड रहेगा। ठीक है सर, अगर मेरे नीचे की बाइंग है 270 रुपए के आसपास तो मैं क्या करूं? सर 270 की बाइंग है तो मैं बोलूंगा कि 298 रुपीस का एक स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड रखें, क्योंकि स्टॉक अगर 310 से नीचे 298 तक आ गया तो आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि 298 का लेवल ब्रेक करने के बाद, मतलब 300 का लेवल ब्रेक करने के बाद स्टॉक आराम से 276 तक आए, तो चाहे तो फिर से वहां पे वो बाय कर सकते, तो उनको फायदा ये होगा कि उन्होंने बाय किया 300 पे बेचा और फिर से नीचे उन्होंने 276 पे उसको खरीदा, 25 रुपए और एक्स्ट्रा कमा सकते।